जिला चंबा के उपमंडल सलोनी के तहत आने वाली बांदल बैली किहार थाना चौकी संगड़ी में हुए दर्ज युवक मनोहर लाल की हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने अब तक एक ही परिवार के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले की जानकारी साझा करते हुए डीआईजी नॉर्दर्न रेंज अभिषेक दुल्लर ने बताया कि सलोनी उपमंडल के इस चर्चित मामले में शरारती तत्वों की ओर से धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। असल में ये मामला उस तरह का नहीं है, ये दो परिवारों के बीच का निजी मामला है जिसमें आपसी कहासुनी के बाद इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। डीआईजी दुल्लर ने कहा कि फिलहाल पुलिस ने प्राथमिक जांच में जिन लोगों से पूछताछ की है उसके बाद 5 गिरफ्तारियां की गई हैं और ये सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। इस वारदात को सुलझाने के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट की भी मदद ली गई है, साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। वहीं जिन हथियारों के साथ शरीर के टुकड़े किए गए हैं आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें भी रिकवर किया जाएगा। उन्होंने लोगों से इस मामले को तूल न देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगर कोई अनायास ही भड़काने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अभिषेक दुल्लर, डीआईजी नॉर्दर्न रेंज, धर्मशाला, हिमाचल। देखिए, चंबा के सलोनी एरिया से एक व्यक्ति 6 तारीख से मिसिंग था, तो उसके घर वालों ने मिसिंग रिपोर्ट कराई थी, तो उस पर पुलिस ढूंढ रही थी उस मिसिंग व्यक्ति को। तो उसमें बाद में उसकी डेड बॉडी उस एरिया में मिली और डेड बॉडी को देख के ये पता चला कि इसका मर्डर हुआ है, तो पुलिस ने उस पर एक मर्डर का केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू करी। तफ्तीश में ये पता चला कि जो अक्यूज़ लोग हैं उन्होंने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, प्योरली पर्सनल रीजंस की वजह से उसकी हत्या कर दी है। तो इसमें ये केस वर्कड आउट हो चुका है और सारे अक्यूज़ लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और आगे की तफ्तीश भी जारी है। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम ने भी विज़िट किया स्पॉट का और जो इम्पोर्टेंट क्लूज थे, एविडेंसेस थे, वो वहाँ से गैदर कर लिए हैं। कुछ लोग इसको कम्युनल एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कि बिल्कुल गलत है। ये द मर्डर इज़ प्योरली बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस। ये 6 तारीख को मिसिंग हुआ था और 9th को इसकी डेड बॉडी मिली थी। उसकी भी हम तफ्तीश कर रहे हैं कि कौन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इस मैटर का गलत फ़ायदा उठाना चाहते हैं और गलत मैसेज फैला रहे हैं सोसाइटी में, तो उस पर भी तफ्तीश जारी है। हाँ, उनको इस मर्डर को धर्म से लिंक करने की कोशिश हो रही है जो कि बिल्कुल अब सरासर गलत प्रयास है और इसमें जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उस पर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। हाँ, ऐसा भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये जो रीज़न है इसका मर्डर का वो प्योरली पर्सनल रिलेशन बिटवीन द एक्यूज पार्टी और विक्टिम पार्टी है। धन्यवाद।